हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही चीज़ी माउथ वाटरिंग ट्रिपल लेयर सैंडविच। इसे आज हम ग्रिल पैन में बनाएंगे। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे इजीली बना सकते हैं, तो एक बार इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी होगी। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है और उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ लगभग 100 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। स्टफिंग बनाने से पहले पनीर को हमें थोड़ा सा इसमें शैलो फ्राई कर लेना है, हल्का सा ये गोल्डन कलर आ जाए पनीर पर, हमें उतना ही इसे करना है। कच्चा पनीर उतना टेस्ट अच्छा नहीं देता जितना हल्का सा अगर आप इसे शैलो फ्राई करके यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये पनीर हमारा हल्का सा शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, और जीरा जैसे ही चटक जाए फिर हम उसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम उसके बाद इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हमें हल्का सा स्टर फ्राई करना है, ये हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा स्टर फ्राई करना है लगभग 2 मिनट के लिए। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे, और उसमें हम मिक्स करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के मैंने बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर हल्का सा शैलो फ्राई किया था वो। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक, आधी छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़। मेयोनीज़ के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच इमली की चटनी। ये जो मार्केट में इमली की चटनी मिलती है मैंने वही यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने लगभग यहाँ 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस मिलाया है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो चलिए, एक स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, अब बनाएंगे दूसरी स्टफिंग। दूसरी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम स्वीट कॉर्न लिया है, और उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ चीज़ स्प्रेड 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़, और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं मिला रही हूँ चुटकी भर नमक, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर। सिर्फ इसमें हमें इतने ही मसाले ऐड करने, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं मसालों से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे लगभग 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़। जो छोटे छोटे मोज़रेला चीज़ क्यूब्स आते हैं मैंने वही कद्दूकस करके मिलाया है। इसे मिक्स करेंगे, और अगर आपको इसमें लगे कि मेयोनीज़ थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ी मेयोनीज़ और ऐड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़ और डाल दिया इसमें। तो अब बारी है ब्रेड स्लाइस लेने की। सबसे पहले हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके दोनों तरफ हमें बटर लगा देना है। एक तरफ मैंने बटर लगा दिया है, अब दूसरी तरफ भी हम इस पर बटर लगा देंगे अच्छे से, और उसको तवे पर टोस्ट करेंगे। दोनों तरफ से हमें इस ब्रेड को अच्छे तरीके से टोस्ट कर लेना है, एकदम क्रिस्प टोस्ट करना है इसको। तो ये ब्रेड स्लाइस हमारी टोस्ट हो चुकी है। अब हम 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे और उनके एक एक साइड पर बटर लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरे ब्रेड पर भी हम बटर लगा देंगे। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल ब्रेड यूज़ किया है। और जो हमने पनीर वाली स्टफिंग बनाई थी, अब हम वो स्टफिंग इस ब्रेड पर लगा देंगे। अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर देंगे सारी जो स्टफिंग है हमारी। ये देखिए, हमने स्टफिंग इस पे लगा दी है। अब ऊपर से हम इस पे ग्रेट करेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। फिर जो हमने ब्रेड सेक के रखा था, टोस्ट किया हुआ था, हमें वो ब्रेड लेना है और उस पर हम यहाँ लगाएंगे चीज़ स्प्रेड। चीज़ स्प्रेड को अच्छे तरीके से हम इस टोस्ट पर लगा देंगे। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इस पे लगाएंगे जो हमने दूसरी स्टफिंग बनाई थी स्वीट कॉर्न वाली।
तो स्वीट कॉर्न वाली स्टफिंग को हम इस टोस्ट किए हुए ब्रेड पर लगा देंगे और ऊपर से लगाएंगे एक चीज़ स्लाइस। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसे लगाने से इसका टेक्सचर जो है वो और भी ज़्यादा चीज़ी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमने दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर दिया है। जो टोस्ट किया हुआ ब्रेड स्लाइस है, ध्यान रहे वो हमें बीच में लगाना है। अब बारी है इस सैंडविच को टोस्ट करने की। मैंने यहाँ ग्रिल पैन लिया है, उसमें हल्का सा बटर लगाया है और इस सैंडविच को इस पर हम अच्छे से ग्रिल करेंगे। दोनों तरफ से ध्यान से थोड़ा इसको पलटते हुए दोनों तरफ से इसको हम ग्रिल करेंगे। इस पर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाएंगे। इसे हमें बटर में ही टोस्ट करना है, सेकना है। घी में उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, जो फ्लेवर बटर में आता है वो घी में उतना नहीं आ पाता इसमें, इसलिए हो सके तो बटर में ही इसको टोस्ट करें। और ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। इसको आप किसी भी शेप में कट कर लीजिए। मैंने इस शेप में इसको कट किया है और ये देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है ना, वाह, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये सैंडविच। अच्छा, आपको अगर ऐसा ही खाना है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आपको इसे और भी ज़्यादा चीज़ी बनाना है तो इसके ऊपर से आप थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ मोसरेला चीज़ और डाल दीजिए, और उसके ऊपर से इस पर थोड़ा सा डालिए ऑरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसको एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में ग्रिल कर दीजिए। उससे ये जो चीज़ जो है इसके ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये हमारा चीज़ी ट्रिपल लेयर सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना चीज़ी, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और रेसिपी भी बहुत ही ईजी है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सैंडविच, ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी में।